अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, गल्फ में जाना चाह रहे हो जॉब करने के लिए, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि अभी मैं नया जॉब लेके आया हूँ, नया वैकेंसी अपडेट करने वाला हूँ यहाँ पर आप लोग के सामने, और ये ओमान का है। ठीक है, तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, जब भी आपके समझ में आएगा कि इस जॉब को कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या रेडी करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं नया जो भी वैकेंसी आपको अपडेट करूँगा यहाँ पे, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलेगा, तो आप जल्दी से वीडियो देख के और उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी करके आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो जॉब है ये ओमान का है। ठीक है, और इसमें फैक्ट्री हेल्पर चाहिए, फैक्ट्री हेल्पर, फैक्ट्री में हेल्पर काम करने वाला बंदा। इस कंपनी को 25 बंदे चाहिए और इसका सैलरी 90 ओमानी रियाल है, 90 ओमानी रियाल सैलरी है, और जिसमें ड्यूटी 8 घंटे का है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टिंग, रहना, इकामा यानी मेडिकल कार्ड ये सब कंपनी देगी। 8 घंटे के बाद 2 घंटा पर डे ओवर टाइम है, उसके बाद में रूम कंपनी देगी, 2 साल पूरा होने के बाद में आने जाने का टिकट भी कंपनी देगी। ठीक है, और इसके अंदर 90 ओमानी रियाल सैलरी है, खाना अपना रहेगा, और अगर आप ओवर टाइम अच्छे से करते हो, मतलब महीने का 4 छुट्टी मिलेगा, 4 छुट्टी में अगर 2 छुट्टी भी ड्यूटी कर लेते हो और 8 घंटे के बाद में, तो 2 घंटा आराम से ओवर टाइम कर सकते हो, क्योंकि 8 ही घंटे का ड्यूटी है। और जिस कंपनी में 10 घंटे का 11 घंटे का अग्रीमेंट कर लेती है वो कंपनी, उसमें तो बंदे 10 घंटा 11 घंटा करने के बाद में तो ऐसे ही मतलब थक जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि ओवर टाइम करो, क्योंकि फिर उनको भी टाइम चाहिए होता है, फिर रूम पर जाना, फ्रेश होकर खाना वाना बना के खाना, थोड़ा घर में बात वत करना। तो अगर 10-11 घंटा पहले ऑलरेडी ड्यूटी करते हैं वो तो ओवर टाइम नहीं कर सकते, लेकिन 8 घंटा अगर ड्यूटी है तो 8 घंटे में आराम से 2 घंटा ओवर टाइम कर सकते हैं, और 2 घंटा कंपनी मतलब ओवर टाइम देगी, अगर आप करना चाहोगे तो 2 घंटा ओवर टाइम पर डे कर सकते हो। और 4 छुट्टी होता है महीने में, यानी हफ्ते में एक छुट्टी रहेगी, और 4 छुट्टी के में अगर एक भी छुट्टी अगर करते हो, 2 छुट्टी, एक छुट्टी जो होता है वो अगर ड्यूटी कर लेते हो तो ओवर टाइम पूरा फुल लगेगा, तो आराम से महीने का 140-150 ओमानी रियाल सैलरी तुम्हारा उठेगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो इसमें डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट एसीआर हो चाहे एसएनआर हो, कोई सा भी होगा चलेगा, और उम्र इसमें 20 साल से लेके 40 साल तक भी उम्र चल जाएगा। तो अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हो या आप देख रहे हो किसी और को भेजना है, कोई रिलेशन वाले को भेजना है, तो इसमें पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, कोई कंप्यूटर दुकान से जाके उसको स्कैन कराओ, स्कैन कराने के बाद में आप व्हाट्सएप पे करो, व्हाट्सएप पे भेजो, और या ईमेल आईडी ले लो, ईमेल आईडी पे भेजो, और ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर लेने के लिए आपको यहाँ पे जो इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे जाके आप मैसेज करो और वहाँ पे बोलो कि मतलब मैं वैकेंसी आपका यूट्यूब पे देखा हूँ और ओमान में मैं जाना चाह रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी मेरे को चाहिए, ऐसा आप मैसेज में करना, तो आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आप पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, उसके बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लो या ईमेल आईडी जो भी मिलता है आपको वहाँ से, उसके बाद में ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हो। और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी कोरोना की वजह से गल्फ में बहुत सारा बंदी था, अभी ज़्यादातर तो अभी सऊदी भी बंदी है, अब चालू होने वाला है इंशाल्लाह जुलाई और अगस्त में खुल जाएगा, और ओमान भी मतलब खोल दिया ही है, कतर खुला हुआ है, बहरीन खुला हुआ है, तो भी नया नया बहुत सारा वैकेंसी मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको डिमांड भी जो भी नया अपडेट करूँगा आपको मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप वीडियो देख के फिर डॉक्यूमेंट रेडी करके वो हिसाब से प्रोसेस कर सकते हो। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्यूमेंट कभी भी भेजो तो मोबाइल से फ़ोटो खींच के नहीं भेजना है, आपको स्कैन बाकायदा अच्छे से स्कैन करके उसके बाद ही भेजना है, पहले फ़ोटो नहीं होगा तो फोटोशॉप पर जाके आप फ़ोटो बनवाओ, पासपोर्ट साइज़ का बैकग्राउंड वाइट, उसके बाद में स्कैन कराओ पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज, स्कैन करा के आप मेल कर दो या व्हाट्सअप पे कर दो मोबाइल में डालने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सारा समझ में आ गया होगा और वही हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट भी रेडी करना है, और बस यही है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हो, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।